Hello and welcome everybody to Taste Bites. Main hu Chef Marshal and I welcome you all. Today what we are going to learn to make is a choux pastry. So let's make profit rolls and chocolate eclair. Chocolate eclair aur profit rolls banane ke liye aapko chahiye 1 cup pani, 75 grams of butter, 3/4 cup of refined flour, 3 eggs aur chocolate ganache. The first step, I would take 1 cup of water and keep the water to boil. पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है अभी मैं इसमें डाल दूंगा बटर बटर डालने के बाद मुझे इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए बटर अब अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसमें हमारा रिफाइंड फ्लावर डाल देंगे तो मैं इसमें रिफाइंड फ्लावर डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से विस्क करूंगा ताकि इसमें कोई लम्स फॉर्म ना हो और ये एक सॉफ्ट डो की तरह बन जाए ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है आई विल रिमूव दिस इन अ बोल एंड अलाउ दिस टू कूल ये अब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है अब मैं इसमें एक एक करके अंडा डालकर इसे बीट कर लूंगा याद रखिए हमें एक एक करके इसे बीट करना है ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में निकाल के इसे अपने ट्रे पर पाइप कर लूंगा पेस्ट्री बैटर को मैंने एक पाइपिंग बैग में भरा है और इसके टिप को मैंने काटा है सीजर से अब मैं इसका चॉकलेट एक्लेयर बनाऊंगा चॉकलेट एक्लेयर आप ऐसे ही सीधा करके पाइप करोगे प्रॉफिट रोल्स के लिए मुझे इस तरह से उसे गोल में पाइप करना है तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़कर इसे पाइप कर लूंगा अभी इसका जो टिप है ये मैं थोड़े से पानी में अपना फिंगर डुबाकर इसे सेट कर दूंगा ताकि ये ऊपर से पॉइंटेड ना आए वैसे ही मैं चॉकलेट एक्लेयर के टिप को भी मैं प्रेस कर दूंगा थोड़े से पानी में डुबाकर तो ये रहा तैयार हमारा प्रॉफिट रोल्स और चॉकलेट एक्लेयर इसे मैं डाल दूंगा बेकिंग के लिए मैंने ये ट्रे को ग्रीस इसीलिए नहीं किया है बिकॉज हमने ऑलरेडी बैटर बनाते समय बटर का यूज किया है अब मैं इसे बेक कर दूंगा 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 टू 25 मिनट्स पे और प्री हीट भी मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे किया है सो दिस गोज इन माई ओवन यह अब ओवन से बाहर आ चुका है अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगा और उसके बाद मैं इसमें पाइप कर लूंगा हमारा चॉकलेट गनाश यह अब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है अब मैं इसके ऊपर भर दूंगा चॉकलेट गनाश चॉकलेट गनाश का रेसिपी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा आप उसे ट्राई कर सकते हो इस तरह से हमें चॉकलेट एक्लेयर के ऊपर और प्रॉफिट रोल्स के ऊपर इसे पाइप करना है आप इसे काट कर इसके अंदर भी भर सकते हो तो इस तरह से तैयार है हमारा प्रॉफिट रोल्स और चॉकलेट एक्लेयर आई होप यू लाइक टुडेज रेसिपी डू ट्राई दिस रेसिपी गिव मी योर कमेंट्स बिलो हाउ इट टर्नड आउट टू बी डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल Share it with your friends and family because Taste Bites is all about experiencing food like never before. Till we meet again, happy cooking and stay fit.